वेलकम टू कंपटीशन। अब क्या सीजीएल 2018 टाइम पे हो पाएगा या फिर सीजीएल 2017 का एक री एग्ज़ाम होगा टीयर टू का। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं और यहाँ पे कमेंट आए हैं कि क्या होगा इस एफआईआर के बाद और क्या इफेक्ट पड़ेगा एसएससी पर इस सीबीआई के एफआईआर के बाद। हम सबके बारे में बात करने वाले हैं और भी आपके बहुत सारे डाउट हैं उन सबके बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में। सब्सक्राइब नहीं किया करना चाहें तो कर सकते हैं और फिर हमारे कॉम्पिटिशन हब के पेज को कॉम्पिटिशन एच लिख के लाइक या फॉलो कर सकते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है। और जीके और जीएस की करंट अफेयर्स की पूरे के पूरे डेली क्वेश्चंस मिलते हैं आपको फेसबुक पेज पर। सबसे पहले बात कर ली जाती है नॉर्मलाइजेशन की केस की। ये केस 2017 में फाइल किया गया था और इसका जो मेन रीज़न था नॉर्मलाइजेशन फॉलो किया जाए 2017 के एग्जाम में सीजीएल टीयर वन में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। केस कंटिन्यू चल रहा है। 23 इसकी जो हेयरिंग डेट थी उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। 1 तारीख को अब यानी कि 1 जून को दोबारा से इसकी सुनवाई होगी इस केस मैटर पर। इसका जो नेक्स्ट हेयरिंग लगी है वो 1 जून लगी हुई है। इसके बाद अब बात करते हैं आगने वाले टॉपिक की। एक और चीज़ है कि काफ़ी लोगों में डिमांड चल रही है खुराना को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, क्यों मिला है, काफ़ी सारे रीज़न है, प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया। और अब उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले टाइम पे और भी मुद्दा उठ सकता है, क्योंकि 23 को एफआईआर की रजिस्ट्रेशन, एक एफआईआर रजिस्टर्ड की है सीबीआई ने एसएससी पेपर लीक मामले में, जिसमें 12 जगहों पर छापे मार के 17 लोगों को, पहली बार ऐसा हुआ है 17 लोगों को पकड़ा है एक एग्ज़ाम में। और इसके साथ साथ जो पकड़े गए हैं एसएससी के अनऑफिशियल ऑफिसर भी, जो लोग एसएससी के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉई हैं। चलिए हम और इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले, लेकिन मैं एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी बार आपने आपकी कोचिंगों में, जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ते हैं वो लोग बोलते हैं, वहाँ पे जो टीचर होते हैं, जो मैम होती हैं, वो ये वाली बात बोलती हैं कि माना कि करप्शन होता है उसके बाद भी हमारे आसपास के बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मेरे पास भी काफ़ी सारी कमेंट आते हैं वीडियो के नीचे। मैं मानता हूँ ये बात सही है, लेकिन कभी आपने उन लोगों के बारे में पूछा जिनका नंबर, जिनका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रुक जाता है? ऐसे ना जाने कितने बच्चे होंगे सिलेक्ट होने वाले। तो जो बच्चे होते हैं उनको तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और जो कोचिंग वाले आपको जो बताते हैं ना कि सिलेक्शन की बात का, क्योंकि वो उनका एक ही चीज़ होती है कि उनका बिजनेस इफेक्ट होता है इन सब चीज़ों से। और दूसरी बात ये है, ये वही कोचिंग वाले हैं जो पैसे देकर सिलेक्शन अपने आप, मतलब कोई किसी की फर्स्ट रैंक आए, आप देख लीजिएगा फर्स्ट सेकंड रैंक आए तो रैंक के चक्कर में ये हमेशा का हमेशा अपने मतलब फ़ोटो अपने बैनर पे लगवाना चाहते हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि सभी जानते हैं कि बड़े लेवल पे करप्शन है इसमें, बड़ा लेवल का स्कैम है, लेकिन फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा सरगना यहाँ पे गिरफ्तार हो गया, बाकी के लोग कहाँ हैं? यदि यही सरगना है तो सब कुछ फिर तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए था ना। सीबीआई ने एफआईआर की इसका क्या इफेक्ट है वो सबसे पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ था, पहले क्या था, प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने एक प्राइमरी इंक्वायरी सेट की थी, प्राइमरी इंक्वायरी के बाद ये एक्यूज्ड पकड़ में आए हैं। 17 लोग हैं वो एक्यूज्ड हैं, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड की है। अब इनमें से कुछ लोगों की बेल हो पाएगी, कुछ लोगों की नहीं हो पाएगी, ये सब बात का मैटर है। इतना बड़ा एक्यूज्ड है, इतनी सारे इसमें धाराएं लगी हुई हैं, सेक्शन लगे हुए हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है, अभी तो ये 17 अरेस्ट हुए, यदि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऐसी होती रही तो 17 की हो सकता है 50 भी हो जाए, 100 भी लोग इसमें मतलब अरेस्ट हो जाए, एफआईआर औरों के अगेंस्ट भी हो जाए। अब हम बात करते हैं इस एफआईआर में कुछ चीज़ें सामने निकल के आई हैं कि जब सिफी को वेंडर दिया गया था, एग्रीमेंट बनाया गया था, तब उसमें ये 4-5 नोटिस दिए थे, मतलब पॉइंट थे जिनको फॉलो करना था। सबसे पहली बात तो प्रिपरेशन, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनको बनाने थे जो एक्सपर्ट हैं सिफी के, ठीक है। बायोमेट्रिक कैप्चरिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एग्जाम लैब, ये पता नहीं होती है नहीं होती है, टू मेक अरेंजमेंट, ये सारे के सारे क्या थे, उनके एग्रीमेंट थे जिनको उन्होंने प्रॉपर तरीके से, आप लोग देख लीजिएगा, फॉलो किया है नहीं किया है। अब बात आ जाती है यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, ये लोग क्या करते थे, 5 दिन पहले अपनी लैब बुक करते थे, ठीक है। अभी जब बात की जाए, हम सब लोगों ने पहले ये बोला था कि पेपर में लीकेज है, या क्योंकि अभी ना सबसे बड़ी बात तो ये टेक्निकल जो ग्लिच था वो टेक्निकल ग्लिच ही रहता यदि ये प्रोटेस्ट आपने नहीं किया होता तो। यदि प्रोटेस्ट आप नहीं करते तो टेक्निकल ग्लिच हमेशा टेक्निकल ग्लिच ही रहता, और ऐसे ना जाने कितने एग्जामों में टेक्निकल ग्लिच नाम का ये वर्ड यूज़ होता चला आ रहा है। ये तो अब सामने आता जा रहा है कि रिमोट एक्सेस के बिहाफ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ऑफ रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर, ये वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बिहाफ पे ये टेक्निकल ग्लिच एक तरीके से पेपर लीकेज का एक जरिया है, जो नोटिस में आता है टेक्निकल ग्लिच, बट होता है एक बड़े लेवल पर स्कैम है। अब आपको दूसरी चीज़ जो बताई जाए, इसमें ही बता देता हूँ मैं आपको, ये सारे के सारे वो एक्यूज्ड हैं, एक्यूज्ड क्या, ये स्टूडेंट थे, एस्पिरेंट थे जो अपेयर हुए थे एग्ज़ाम में। इसके साथ साथ ये जगह हैं यहाँ पे, हो सकता है आपके आसपास आपके शहर की हो, ये यहाँ पे ये जो वेन्यू ऑफ एग्ज़ाम है यहाँ से चीटिंग वगैरह हुई थी। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े लेवल पर स्कैम है। ये तो अभी केवल 17 लोग पकड़े गए हैं, उसमें 7-8 तो एस्पिरेंट हैं, और कुछ एक तो ऐसे हैं बंदे भी हैं जिनका नाम आपको याद आ जाएगा और उनके एडमिट कार्ड की संख्या भी याद आ जाएगी साथ में।
अब बात करते हैं यहाँ पे, ये जो एग्ज़ाम पेपर जो हुआ था वो क्या था, कुछ मिनट पहले ही लीक हो गया था एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, ये चीज़ सब बिल्कुल क्लियर हो गई। तो टेक्निकल ग्लिच नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो टेक्निकल ग्लिच होता था वो टेक्निकल ग्लिच इनकी जो मिस्टेक्स थी उसको छुपाने का एक तरीका था। तो सबसे बड़ी बात ये, उसके साथ साथ श्री संत प्रसाद गुप्ता जी इसमें इन्वॉल्व हैं, ये वाली चीज़ भी आप देख लीजिएगा, सिफी के इन्वॉल्व हैं। तो इस पूरी वीडियो को बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो ये है, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों इन लोगों का नाम भी जानना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो अननोन ऑफिसर्स कितने हैं, क्या हैं, कैसे क्या काम कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन ये करा चुके हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि जिस तरीके से यदि आप उस समय बाहर निकल के नहीं आते तो वो टेक्निकल ग्लिच ही बनता, आज रिमोट एक्सेस में की तरह चीटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाता। बात ये आ रही है यहाँ पर काफ़ी सारे इशूज़ हैं। सबसे पहली बात तो वेंडर चेंज, एज रैकनिंग का इशू, दो अटैम्प्ट नॉर्मलाइजेशन मेथड, गवर्नमेंट ने दो अटैम्प्ट देने की जगह बच्चों को क्या कर दिया, एक साल का एक्सटेंशन दे दिया चेयरमैन साहब को। वेंडर चेंज की तो कोई कहानी सुनने में ही नहीं आ रही है, और एज रैकनिंग का मैटर बिल्कुल आपका जायज़ है, और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अभी उन्होंने एक नॉर्मलाइजेशन मेथड नाम की कोई चीज़ नहीं दी है। और मुझे तो ये लगता है, इसमें मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि हो सकता है इस नॉर्मलाइजेशन की आड़ में कहीं कुछ बड़ा ब्लंडर ना हो। ये सारे के सारे मुद्दे हैं, लेटेस्ट हॉट मुद्दे हैं, इन सबको आपको यदि दो ही तरीके हैं, एक तो गर्मी बहुत भयंकर बढ़ रही है तो गर्मी भयंकर बढ़ने में आराम से घर पर बैठे रहिएगा, फेसबुक वगैरह पे अपना जो काम करना है कीजिएगा, व्हाट्सएप पे काम करना है, ट्विटर पे फॉलो कर मतलब ट्विटर पे कैंपेन करानी है वो सब कीजिएगा, लेकिन साथ में इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही कि आप लोग घर से बाहर ना निकल सकते। यदि इस बार घर से बाहर ना निकले ना तो ये जो आपने जो काम किया था उसी की एक देन है कि आज आपका CGL के एग्ज़ाम पे इतने सारे क्वेश्चंस लग गए हैं, कि शायद यदि इसी तरीके FIR की कोई और रिपोर्ट आती है तो आने वाले टाइम पर Tier 2 रिजल्ट की जगह पर कोई एक ऐसा नोटिस आपको देखने को मिल जाए कि जिसमें कुछ और एग्ज़ाम आगे शायद आपको दोबारा से कराने का चांस मिल जाए, यदि इस टाइप की कोई रिपोर्ट आती है कि और एग्ज़ाम भी, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2018 टाइम पे ही होगा, होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अभी भी लोग बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट, आप लोगों का साथ चाहिए, यदि आप गर्मी का भी देखना चाहते हैं तो गर्मी देख लीजिएगा, अदरवाइज़ हम लोग तो हैं हमेशा आपका साथ देने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों की ज़रूरत है तो जहाँ जहाँ पर जिस जगह पर कैसे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, कैसे भी मतलब लोग भाग जा रहे हैं, आप लोग भी उनका सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू वैल्यूबल टाइम। 2018 की तैयारी कीजिएगा कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया Tier 1 हमेशा कि जो भी अब 2018 की जो भी होता है हम आपको बताते हैं, वैसे तो टाइम पर होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन 2017 के बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग हुई है, अब देखना एक महीने के अंदर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आपके सामने आएगी। थैंक यू सो मच।